प्रदेश में राजनीतिक परीक्षाओं के बाद सोलन में आज विभिन्न स्कूलों द्वारा अपना अपना वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जीनियस ग्लोबल प्ले स्कूल, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, वीएल सेंटर पब्लिक स्कूल, छात्राओं द्वारा खूब रंग जमाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों ने हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गीतों पर नृत्य कर उपस्थित जनों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की गतिविधियों में अव्वल रहने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। शिक्षा विभाग के उप निदेशक चंदेश्वर शर्मा व सोलन के SP मोहित चावला ने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी छात्रों को मंच प्रदान करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। बच्चों में उत्साह देखने लायक है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए स्कूल द्वारा बेहतर शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इन्हें हमें बाल्यावस्था से ही अच्छे संस्कार और बेहतर शिक्षा देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा सके। सेशन का एंड है और सेशन के एंड में जो स्कूल की गतिविधियां हैं पूरे साल की वो दर्शाई जाती है, और इसके लिए एनुअल फंक्शन जो है हम लोग स्कूलों के लिए में करते हैं। ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी है, हर स्कूल जो है इन फंक्शंस को करता है, और जिससे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, एक क्रिएटिविटी का प्लेटफॉर्म होता है, कुछ कर दिखाने का प्लेटफॉर्म होता है, और जिसमें जो स्कूल जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, और हर स्कूल में ये जो है फंक्शन करवाए जाए, जिससे बच्चों को जो है और अधिक प्रोत्साहन मिले और आगे बच्चे जो है काफी आगे तक जा सके। बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा स्कूल एक ऐसा बेंचमार्क और के लिए भी एस्टेब्लिश करता है जो इन्होंने अचीव किया है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आने वाले सालों में ये और विद्या बांटे, यहाँ के बच्चे हमारे सोलन का बाहर जाके और नाम रोशन करें। आई विश देम ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।